जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में हम नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ये देखने वाले हैं। अब नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन 1993 ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इंपॉर्टेंट एक्ट है एमपीपीएससी से भी रिलेटेड। इसलिए अभी हाल ही में 18 फेब को एमपीपीएससी की प्रीलिम्स है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं वीडियो ला रहा हूँ आपके सामने, जिसमें मैं पूरा डिटेल में आपको नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन डिटेल में सब बताऊंगा। और एकदम इजीली आपको जितने भी अपॉइंटमेंट्स है, जितनी भी एडवाइजरी कमिटी है, या फिर जो जो वहाँ पर चेयरमैन होते हैं, जो मेंबर्स हैं, वो एकदम इजीली आपको याद हो जाए, इस तरीके से मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो शेयर ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। अगर आपको लगता है कि वीडियोज़ वर्थ नहीं है तो आप सब्सक्राइब नहीं भी कर सकते हैं, शेयर नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन उसका रीज़न आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए ताकि मैं इम्प्रूव कर सकूँ। और नेक्स्ट टाइम जब आप ये वीडियो देखो तो आप ज़रूर शेयर करोगे और ज़रूर सब्सक्राइब करोगे। तो और आप मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हो, आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप फेसबुक पर मैसेज कर सकते हो। अब काफ़ी मैसेजेस आते हैं इसलिए रिप्लाई करने में थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन आपको रिप्लाई ज़रूर करूंगा। मयूर मोगरे नाम से फेसबुक प्रोफाइल है, और आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, मयूर मोगरे विदाउट स्पेस, और आप टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। मैंने हाल ही में नया चैनल बनाया है मयूर मोगरे नाम से, जिस पर जितने भी पीडीएफ है वीडियोज़ के मैं डाल दिया करता हूँ, तो उस पर भी फॉलो कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो के लिए। तो इस वीडियो में हम देखेंगे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। कल रात को 8 बजे जो प्रेसिडेंट का वीडियो है वो अपलोड हो जाएगा, कल रात को 8 बजे, और सुबह 7 बजे जो डेली एमसीक्यूज़ है यूपीएससी से रिलेटेड वो तो अपलोड हो ही जाएगा। सुबह 7 बजे से लेकर 10 बजे तक कभी भी मैं डेली एमसीक्यूज़ जो है वो अपलोड कर दिया करूँगा, और कल रात को 8 बजे आप प्रेसिडेंट का वीडियो देख सकते हो। तो शुरू करते हैं नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, इसे प्रेजेंट करूँगा मैं मयूर मोगरे। तो अब स्टैब्लिशमेंट किस तरीके की हुई ये हम यहाँ पर देखेंगे। स्टैब्लिशमेंट मतलब ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, हमारे संविधान में नेशनल ह्यूमन राइट्स के बारे में दिया हुआ है, या फिर ये एक स्टेटूटरी बॉडी है जो कि एक्ट से बनाई गई है, या फिर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बनाई हुई है। तो ये है एक स्टेटूटरी बॉडी। अब स्टेटूटरी बॉडी मतलब क्या होता है, किसी एक्ट से बनी हुई। देखिए हमारे संविधान में किसी बॉडी के बारे में दिया होता है, जैसे इलेक्शन कमीशन, यूपीएससी, एमपीएससी, जो भी स्टेट पीएससीज है उसके बारे में, तो वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है, तो वो हो गई हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। दूसरी होती है अगर किसी एक्ट से कोई बॉडी बनाई जाए उसे हम कहेंगे स्टेट्यूटरी बॉडी, और एक होती है नाइदर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नॉर स्टेट्यूटरी बॉडी, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से कुछ चीज़ बनी हुई हो तो उसे हम कहेंगे नाइदर कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर स्टेट्यूटरी। तो जो ह्यूमन राइट कमीशन है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, ये एक स्टेट्यूटरी बॉडी है क्योंकि एक्ट से बनी हुई है। अब कौन सा एक्ट है, तो प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993। अब ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि तीन एक्ट्स के बारे में एमपीपीएससी के सिलेबस में दिया हुआ है, उसमें से ये एक है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन 1993, ह्यूमन राइट्स एक्ट, और इसे अमेंड भी किया गया था 2006 में। अब ये जो है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, ये एक वॉच डॉग है। वॉच डॉग मतलब निगरानी रखने वाला, वॉच डॉग है ह्यूमन राइट्स का, मतलब कहीं ह्यूमन राइट्स वायलेट तो नहीं हो रहे हैं, कहीं ऐसी जगह जहाँ पर ह्यूमन राइट्स जो है उसका वॉयलेशन किया जा रहा है, तो इस तरीके से उसका उसकी निगरानी रखने वाला ये एक वॉच डॉग है जो कि लाइफ, लिबर्टी, इक्वालिटी, डिग्निटी, ये सब के बारे में देखता है कि किसी भी इंसान की जो लिबर्टी है वो किसी छीनी न जाए, इक्वालिटी है वो छीनी न जाए। अब ह्यूमन राइट्स वॉयलेशन मतलब होता क्या है बेसिकली, अगर किसी की डिग्निटी जो है वो अगर कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए, किसी की इक्वालिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए, किसी की लिबर्टी जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए, लाइफ कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए, तो इसमें अगर ये सब कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं इसमें से कोई भी चीज़, तो वो ह्यूमन राइट वायलेशन कहलाएगा। तो उसी चीज़ के बारे में देख निगरानी जो है ये नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन रखता है, ऑफ इंडिविजुअल गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में हमारी दिया हुआ है कि ये सारी चीज़ें हैं ये प्रिजर्व प्रोटेक्ट रहना चाहिए एक ह्यूमन बींग का, एम्बॉडीड इन द इंटरनेशनल कोवेनेंट्स एंड एनफोर्सेबल बाय कोर्ट। अब ये जो है ये कोर्ट के द्वारा एनफोर्स किया जाएगा। अब इसी से हमें पता चलता है कि अगर ये कोर्ट से एनफोर्स किया जा रहा है, मतलब ये जो है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ये क्वासी जुडिशियल बॉडी जो हम कहते हैं, या फिर जिसे पनिशमेंट दे सकता है, जो बॉडी पनिश कर सकता है, इस तरीके की बॉडी नहीं है, ये पनिश नहीं कर सकता है। अगर यहाँ पर ये देखता भी है कि कोई ह्यूमन राइट्स का वॉयलेशन कर रहा है तो इसे भी कोर्ट में जाना ही पड़ेगा। अब ये जो चीज़ है यहाँ पर इंटरनेशनल कोवेनेंट, अब ये क्या है, तो ये जो है इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स एंड इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स, ये अडॉप्ट किया गया था यूएन जनरल असेंबली के द्वारा 16 दिसंबर 1966 को, और इंडिया ने अडॉप्ट किया था 10 अप्रैल 1979 को। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये ध्यान में रखिए। जो डेट है, जैसे यूएन जनरल असेंबली ने कब अडॉप्ट किया था, 16 दिसंबर 1966, एंड इंडिया ने अडॉप्ट किया था 10 अप्रैल 1979 को।
उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स हम देखते हैं क्या है, तो स्ट्रेंथन द इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स थ्रू विच ह्यूमन राइट्स इशू कुड बी एड्रेस्ड इन देयर एंटायरली इन मोर फोकस्ड मैनर। अब ऐसी इंस्टीट्यूशन, ऐसा इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट बनाना, उसे इस तरीके से स्ट्रेंथन करना कि जिससे जो भी ह्यूमन राइट वायोलेशंस के इशू रहेंगे वो अच्छे से मोर फोकस्ड मैनर में यहाँ पर रिजॉल्व हो सकते हैं। टू लुक इन टू एलिगेशंस ऑफ एक्सेस इंडिपेंडेंटली ऑफ द गवर्नमेंट इन मैनर दैट वुड अंडरलाइन द गवर्नमेंट्स कमिटमेंट टू प्रोटेक्ट द ह्यूमन राइट्स। अब यहाँ पर गवर्नमेंट जो है वो भी यहाँ पर कमिटमेंट करते हैं कि वो ह्यूमन राइट जो है वो प्रोटेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर उन्हीं के द्वारा जो यहाँ पर मैनर है उनका, उसी के थ्रू वही अंडरलाइन गाइडलाइंस में यहाँ जो भी एलिगेशंस रहेंगे, जो भी प्रॉब्लम्स यहाँ पर क्रिएट होगा, जो भी यहाँ पर ह्यूमन वायोलेशंस होगा, उसे अपने तरीके से यहाँ पर एक्सेस करेंगे, अपने तरीके से यहाँ पर रिजॉल्व करेंगे इंडिपेंडेंटली ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब यहाँ पर गवर्नमेंट जो है वो जिस तरीके से प्रोटेक्ट करेंगे, उनका जो मोटो है कि हम प्रोटेक्ट करने वाले हैं, गवर्नमेंट भी प्रोटेक्ट करेगी, लेकिन इंडिपेंडेंटली ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट से इंडिपेंडेंट होकर यहाँ पर ये लोग भी अच्छे से निगरानी करेंगे जिससे कि ह्यूमन राइट वायोलेशन ना हो, और अगर ह्यूमन राइट वायोलेशन होता है तो उसे अच्छे से टैकल ये लोग कर पाएंगे। उसके बाद टू कॉम्प्लीमेंट एंड स्ट्रेंथन द एफर्ट्स दैट हैव ऑलरेडी बीन मेड इन दिस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में जो कुछ भी एफर्ट्स, जो कुछ भी चीज़ें हुई है उसे और ज़्यादा स्ट्रेंथन करेंगे, और ज़्यादा अच्छे से रिजॉल्व करेंगे जो भी इश्यूज़ होंगे ह्यूमन राइट वायोलेशंस के। अब यहाँ पर कंपोजिशन हम देखते हैं, ये जो है कंपोजिशन, टेन्योर, उसके बाद अपॉइंटमेंट, अपॉइंटिंग बॉडी, रिकमेंडेशन बॉडी, ये सब जो है काफ़ी कंफ्यूज करता है, तो इसीलिए यहाँ पर हम इस वीडियो में इसे सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे जिससे कि आपको इसी वीडियो में सब कुछ याद हो जाएगा। तो यहाँ पर कंपोजिशन क्या है नेक्स्ट ह्यूमन राइट्स कमीशन के, तो देखिए एक तो चेयरमैन है जो रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उसके बाद चार मेंबर्स होते हैं। अब वो कौन कौन से होते हैं, तो सर्विंग और रिटायर्ड जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सर्विंग और रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, और दो ऐसे लोग होंगे जिनका स्पेशल नॉलेज या फिर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रहेगा ह्यूमन राइट्स में। तो एक बार फिर से, रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट चेयरमैन रहेंगे, उसके बाद चार मेंबर रहेंगे, चार मेंबर में से एक तो सुप्रीम कोर्ट के जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो तो चेयरमैन बन गए जो रिटायर है। अब जो सुप्रीम कोर्ट है उसके कौन बचे, तो जजेस बचे, सर्विंग और रिटायर्ड जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और सर्विंग और रिटायर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। इधर यहाँ जो चेयरमैन है वो सिर्फ रिटायर रहेंगे, यहाँ पर जो है सर्विंग और रिटायर भी रह सकते हैं, और नीचे दो लोग रहेंगे जिनका स्पेशल नॉलेज या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रहेगा ह्यूमन राइट्स में। अब इसी के साथ साथ इन एडिशन एक्स ऑफिशियो मेंबर रहेंगे प्लस, और चार एक्स ऑफिशियो मेंबर रहेंगे। अब वो कौन रहने वाला है, तो चेयरमैन रहेंगे वो नेशनल कमीशन फॉर एससी, नेशनल कमीशन फॉर एसटी, नेशनल कमीशन फॉर वीमेन, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़। तो यहाँ पर चेयरमैन कौन रहने वाला है, तो रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो रिटायर हो चुके हैं। चार मेंबर रहेंगे, कौन से रहेंगे, तो सर्विंग और रिटायर्ड जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सर्विंग और रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, दो ऐसे लोग जिनका स्पेशल नॉलेज या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है ह्यूमन राइट्स में, और चार एक्स ऑफिशियो मेंबर्स रहेंगे। कौन रहेंगे, तो चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर एससी, नेशनल कमीशन फॉर एसटी, नेशनल कमीशन फॉर वीमेन, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़। तो ये चारों जो है एकदम आसान है याद रखने के लिए, एससी, एसटी, वीमेन और माइनॉरिटीज़, तो इनके एक्स ऑफिशियो मेंबर्स रहेंगे इनके जो चेयरमैन है वो। तो ये हो गया कंपोजिशन। उसके बाद टर्म हम देखते हैं, अब कितनी टर्म होती है, तो जो चेयरमैन या अदर मेंबर्स है वो 55 सालों के लिए यहाँ पर इनका जो टर्म है वो होती है, और टिल दे अटेंड द एज ऑफ 70 ईयर्स। मतलब अगर कोई 68 साल का है और अगर वो चेयरमैन बनता है तो वो दो सालों के लिए ही, मतलब जब तक वो 70 साल का होता है, मतलब दो सालों के लिए ही वो चेयरमैन या मेंबर रहेगा, और अगर कोई 60 साल का है और अगर वो चेयरमैन या मेंबर बनता है तो वो 65 सालों के लिए ही वो चेयरमैन या मेंबर रहेगा। मतलब 5 सालों तक या फिर 70 सालों तक, जो कुछ पहले आएगा वहाँ तक वो चेयरमैन या मेंबर्स रह सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये एक अपवाद है, ये एक अलग से चीज़ है कि हर वक्त जहाँ भी हम देखेंगे तो 5 ईयर्स, 65 ईयर्स, 5 ईयर्स, 62 ईयर्स, इस तरीके का हमें देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर 70 ईयर्स है। तो ये बात आप ध्यान में रखिए। चेयरमैन एंड मेंबर्स आर नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर एम्प्लॉयमेंट अंडर सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। यहाँ पर ये लोग जो है वो एलिजिबल नहीं होते हैं फॉर फर्दर एम्प्लॉयमेंट अंडर सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। अब यहाँ पर जो है चेयरमैन और मेंबर्स एलिजिबल नहीं होते हैं काय के लिए, तो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का जो एम्प्लॉयमेंट है उसके अंडर। अब यहाँ पर मैं एक आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, तो जो चेयरमैन और मेंबर्स होते हैं ये नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के, तो ये क्या गवर्नर बन सकते हैं जब इनका टेन्योर ख़त्म हो जाएगा, या फिर जब ये
इनका जो भी ये है वो ख़त्म हो जाएगा 5 साल या 70 साल का, तो उसके बाद वो क्या गवर्नर बन सकते हैं? इसका जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए। अब इसकी अपॉइंटमेंट हम यहाँ पर देखते हैं कि अपॉइंटमेंट किस तरीके से होती है, क्या अपॉइंटमेंट होती है, कौन अपॉइंटमेंट करता है। तो यहाँ पर अपॉइंटमेंट कौन करते हैं, तो अगर आप देखोगे तो अपॉइंटमेंट करते हैं प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के द्वारा इनकी जो अपॉइंटमेंट है वो की जाती है। मगर यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये है कि ये रिकमेंडेशन पर करते हैं। यहाँ पर एक रिकमेंडेटरी बॉडी होती है। अब ये जो है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, यहाँ पर जो रिकमेंडेटरी बॉडी है ये भी याद रखने में काफ़ी मुश्किल जाती है जो लोग हैं, जो स्टूडेंट्स हैं उनको। तो यहाँ पर भी मैंने सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है, जैसे कि आपको वो याद हो गया होगा कि कंपोजिशन क्या है। तो एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है जो रिटायर है, दो मेंबर्स जो जजेस ही है, जैसे कि रिटायर और सर्विंग जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड रिटायर और सर्विंग चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, और दो ऐसे लोग जिनका स्पेशल नॉलेज है ये कैटेगरी में, और प्लस एक्स ऑफिशियो मेंबर्स कौन रहेंगे, चार, जो कि चेयरमैन है किस किस के, नेशनल कमीशन फॉर एससी एसटी विमेन और माइनॉरिटीज़। तो ये कंपोजिशन हो गया। अब यहाँ पर अपॉइंटमेंट जो है वो यहाँ पर प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है इन लोगों की। अब प्रेसिडेंट के द्वारा जब यहाँ पर की जाती है तो यहाँ पर रिकमेंडेटरी बॉडी भी होती है। अब ये जो रिकमेंडेटरी बॉडी है इसमें कौन कौन लोग होते हैं वो हम यहाँ पर देखते हैं। तो इसमें प्राइम मिनिस्टर होते हैं जो कि हेड होते हैं इसके, उसके बाद सेंट्रल होम मिनिस्टर, उसके बाद स्पीकर ऑफ लोकसभा, डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा और लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ बोथ दी हाउसेस। अब देखिए ये जो ट्री डायग्राम है ना, ये अपने अगर आंखों में बिठा ली तो आपको इजीली याद हो जाएगा। टॉप मोस्ट पोजीशन हमारे प्रधानमंत्री, प्रधान सेवक, प्राइम मिनिस्टर, नरेंद्र मोदी, मित्रों, तो ये हो गए। उसके बाद नेक्स्ट उसी लाइन में, मतलब देखिए वही जो है उसी लाइन में सेंटर का ही एक आदमी है, सेंट्रल होम मिनिस्टर, बराबर है, होम मिनिस्टर। अब उसके बाद मतलब कोई भी इंसान कुछ भी हो घर पे एक बार चर्चा करता है, तो समझ लीजिए कि याद रखने के लिए प्रधानमंत्री ने घर पे चर्चा कर ली। अब उसके बाद जो हाउसेस है वो आएंगे, तो स्पीकर ऑफ लोकसभा, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। अब यहाँ पर चेयरमैन ऑफ राज्यसभा मतलब कौन हो गए, तो वाइस प्रेसिडेंट, वो यहाँ पर क्यों आएंगे? तो स्पीकर ऑफ लोकसभा हो गए, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा हो गए, और लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ बोथ दी हाउसेस। दोनों हाउसेस में जो लीडर ऑफ अपोजिशन है वो भी इसमें इन्वॉल्व रहेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो गया, ये जो है ये कमेटी अपॉइंट करेगी। अब यहाँ पर जो सैलरीज अलाउंसेस जो कुछ भी रहेगा ये कौन डिसाइड करने वाला है, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि इन्हें कितनी सैलरी देना है, कितने अलाउंसेस देना है, ये सारी चीज़ें सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी अपने हिसाब से। तो यहाँ पर ये चीज़ जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक बार फिर से आप देख लीजिए, जैसे प्रधानमंत्री है, सेंट्रल होम मिनिस्टर है, प्रधानमंत्री ने घर से जो है चर्चा की किसको नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का मेंबर बनाना चाहिए, उसके साथ साथ फिर वो हाउसेस में गई वो चीज़। तो हाउसेस मतलब स्पीकर ऑफ लोकसभा, डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ बोथ दी हाउसेस। उसके बाद रिमूवल। अब रिमूव कौन कर सकते हैं, किस तरीके से इनका रिमूवल होता है? तो प्रेसिडेंट जो है वो रिमूव कर सकते हैं चेयरमैन को या किसी मेंबर को। अब यहाँ पर जो हमारे राष्ट्रपति है वो यहाँ पर अपॉइंट करते हैं। तो अगर आपने वो मूवी देखी है रोबोट, उसमें जो रजनीकांत है वो कहते हैं उसे कि मैंने तुम्हें बनाया है और मैं भी तुम्हें ख़त्म कर सकता हूँ, मिटा भी सकता हूँ। तो इसी तरीके से जो राष्ट्रपति है वो भी इन्हें बोल रहे हैं कि मैंने तुम्हें अपॉइंट किया है तो मैं तुम्हें निकाल भी सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर कुछ कंडीशंस है। अब वो क्या कंडीशंस है, जैसे कि हमने अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जब देखा था, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, तो इसमें प्रेसिडेंट जो होते हैं, प्रेसिडेंट उन्हें अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है उसमें प्रेसिडेंट जो होते हैं वो रिमूव कभी भी कर सकते हैं, बराबर है। और जो एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट होते हैं उन्हें जो गवर्नर है वो कभी भी रिमूव कर सकते हैं किसी भी, उनकी कोई कंडीशन नहीं है। जब राष्ट्रपति चाहेंगे तब अटॉर्नी जनरल को रिमूव कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो राष्ट्रपति है, अगर उन्हें रिमूव करना है चेयरमैन को या किसी मेंबर को नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के, तो यहाँ पर कुछ कंडीशंस दी हुई है। अब वो क्या है, तो ही इज़ एडजस्ट एंड इंसॉल्वेंट। अगर बैंक करप्सी वगैरह होती है तो इंसॉल्वेंट अगर ये बनते हैं तो यहाँ पर उन्हें निकाला जा सकता है। उसके बाद एनी पेड एम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग हिज टेन्योर, अगर उनके टेन्योर में किसी भी पेड एम्प्लॉयमेंट में वो रहते हैं तो भी निकाले जाएंगे। अनफिट टू कंटिन्यू, अगर कंटिन्यू करने के लिए फिट ही नहीं है तो वो भी निकाल सकते हैं। अनसाउंड अगर माइंड हो गया है तो भी निकाल सकते हैं। कन्विक्टेड एंड सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट फॉर एनी ऑफेंस, तो अगर ऑफेंस के लिए वो जेल जाते हैं तो भी उन्हें निकाल दे सकते हैं हमारे राष्ट्रपति। और एक कंडीशन है, मिसबिहेवियर पर भी उन्हें निकाल सकते हैं हमारे राष्ट्रपति। लेकिन ये जो केस है मिसबिहेवियर का वो सुप्रीम कोर्ट में देना पड़ेगा।
अब जब सुप्रीम कोर्ट जो है वो इसे पूरा एनालाइज करेगी, सुप्रीम कोर्ट पूरा डिस्कस करेगी कि किस तरीके से हो रहा है, और अगर सुप्रीम कोर्ट ने एडवाइस दे दी है राष्ट्रपति को कि हाँ आपका एकदम सही है, आप जो कर रहे हो एकदम सही जा रहे हो, सही डायरेक्शन में जा रहे हो, आप इन्हें रिमूव कर दीजिए, तो फिर तो राष्ट्रपति किसी की सुनेंगे क्या? राष्ट्रपति तो फिर आतामाजी सटक ली, अब निकाल देंगे। तो इस तरीके से क्या है, जो राष्ट्रपति है मिस बिहेवियर पे अगर निकालते हैं तो सुप्रीम कोर्ट की परमिशन लगेगी, सुप्रीम कोर्ट में वो देना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट जब एडवाइस देगा कि हाँ आप निकाल सकते हो, फिर राष्ट्रपति उन्हें निकाल सकते हैं मिस बिहेवियर पर। लेकिन जो बाकी की कंडीशंस है इस पर सीधे तरीके से वो निकाल सकते हैं जब ऐसी कुछ कंडीशन आ जाए तब, उसमें सुप्रीम कोर्ट की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया रिमूवल। अब उसके बाद फंक्शंस हम देखते हैं, जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है उसके क्या फंक्शंस हैं। तो प्रोएक्टिवली और रिएक्टिवली इंक्वायर इनटू वायोलेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ह्यूमन राइट्स और निगलिजेंस इन द प्रिवेंशन ऑफ सच वायोलेशंस बाय द पब्लिक सर्वेंट। अब यहाँ पर पब्लिक सर्वेंट के द्वारा अगर कहीं पर ह्यूमन राइट वायोलेशन हो रहा है या फिर ह्यूमन राइट वायोलेशन हो रहा है और यहाँ पर प्रिवेंट नहीं कर पा रहे हैं कोई पब्लिक सर्वेंट, तो यहाँ पर प्रोएक्टिवली और रिएक्टिवली यहाँ पर इंक्वायरी जो है वो कर सकते हैं लोग कि क्यों यहाँ पर जो ह्यूमन राइट वायोलेशन है वो हो रहा है, किस तरीके से इसे रोका जाना चाहिए, क्यों क्या तो आपने ये चीज़ें क्यों नहीं की, ये सारी चीज़ें ये जो है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ये कर सकते हैं। बाय लीव ऑफ द कोर्ट टू इंटरवीन इन द कोर्ट प्रोसीडिंग्स रिलेटिंग टू ह्यूमन राइट्स। अब यहाँ पर बाय लीव ऑफ द कोर्ट यहाँ पर इंटरवीन कर सकते हैं, अगर कोर्ट में कोई प्रोसीडिंग चल रही है ह्यूमन राइट्स रिलेटेड, अगर कोर्ट में किसी भी तरीके की प्रोसीडिंग चल रही है जिसमें कि ह्यूमन राइट जो है वो इन्वॉल्व है, ह्यूमन राइट वायोलेशन इन्वॉल्व है, तो वहाँ पर भी वो इंटरवीन कर सकते हैं। उसी के साथ साथ रिकमेंडेशन बता सकते हैं कि आपको ये नेशनल अपना ह्यूमन राइट वायोलेशन जो है ये प्रिजर्व करने के लिए ये सारी चीज़ें करना चाहिए, ह्यूमन राइट वायोलेशन जो है नहीं होना चाहिए, इसके लिए आपको ये मेजर्स लेना चाहिए, तो ये सब जो है रिकमेंडेशन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये रिकमेंडेशन दे सकते हैं, बराबर है, कोई आदेश नहीं दे सकते, ऑर्डर नहीं दे सकते। उसके बाद रिव्यू और सेफगार्ड जो प्रोवाइड की गए हैं हमारे संविधान में उसे भी रिव्यू कर सकते हैं, और उसी के साथ साथ जो भी प्रोटेक्शन है ह्यूमन राइट्स का रिकमेंड कर सकते हैं मेजर्स, जिससे कि इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है, जिससे कि हमारा ह्यूमन राइट वायोलेशन नहीं होगा और इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन होगा, जिस तरीके से ह्यूमन राइट वायोलेशन जो है वो प्रिजर्व किया जा सकता है, प्रिवेंट किया जा सकता है। तो इस तरीके की चीज़ें भी जो है ये बता सकते हैं। उसी के साथ साथ रिव्यू द फैक्टर्स इंक्लूडिंग एक्ट ऑफ टेररिज्म दैट इनहेबिट द एम्प्लॉयमेंट एन्जॉयमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड रिकमेंड अप्रोप्रिएट रेमिडियल मेजर। अब यहाँ पर जो अप्रोप्रिएट रेमिडियल मेजर्स है ये भी यहाँ पर दे सकते हैं, जो एक्ट ऑफ टेररिज्म है उसके जरिए अगर यहाँ पर ह्यूमन राइट वायोलेशन होता है तो उसके लिए भी यहाँ पर वो लोग लड़ सकते हैं और अपने रिकमेंडेशन जो है प्रोवाइड कर सकते हैं, जिससे कि एक रेमिडियल मेजर यहाँ पर मिलेगा। अब फंक्शंस टू स्टडी ट्रीटीज एंड अदर इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट्स ऑन ह्यूमन राइट्स एंड मेक रिकमेंडेशंस फॉर देयर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन। यहाँ पर जो भी ट्रीटीज होती है, इंटरनेशनल ट्रीटीज होती है, अग्रीमेंट्स होते हैं, अगर उसमें भी कोई ह्यूमन राइट वायोलेशन या फिर ह्यूमन राइट्स रिलेटेड कोई चीज़ इन्वॉल्व है तो यहाँ भी वो अपने रिकमेंडेशन जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। देखिए हर जगह आपको क्या दिखेगा, रिकमेंडेशन दिखेगा, बराबर है, फॉर देयर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन। यहाँ पर भी रिकमेंड कर सकते हैं वो, ऑर्डर नहीं दे सकते। अंडरटेक एंड प्रमोट रिसर्च इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन राइट्स के फील्ड में एक रिसर्च जो है वो भी प्रोवाइड कर सकते हैं, जिससे कि ह्यूमन राइट वायोलेशन जो है वो खत्म हो जाएगा, कम हो जाएगा। एंगेज इन ह्यूमन राइट्स एजुकेशन अमंग वेरियस सेक्शन ऑफ सोसाइटी एंड प्रमोट अवेयरनेस। यहाँ पर अवेयरनेस जो है वो भी क्रिएट कर सकते हैं वो, जिससे कि जो ह्यूमन राइट है, ह्यूमन राइट वायोलेशन जो है वो नहीं हो पाएगा। अब ये जो अवेयरनेस है वो किस तरीके से क्रिएट करेंगे, तो कोई पब्लिकेशंस के थ्रू, मीडिया के थ्रू, सेमिनार्स के थ्रू या किसी भी अवेलेबल मीन्स के थ्रू यहाँ पर अवेयरनेस क्रिएट करेंगे। अवेयरनेस करने के बाद क्या होगा, जो ह्यूमन राइट्स वायोलेशन है वो कम हो जाएंगे, क्योंकि लोगों को अगर पता ही नहीं है कि अगर कोई चीज़ उनके साथ हो रही है या उनका ह्यूमन राइट का वायोलेशन है तो यहाँ पर वो लोग लड़ कैसे सकते हैं, वो लोग इन्फॉर्म कैसे कर सकते हैं जो लोग हैं वो। इसीलिए यहाँ पर अवेयरनेस क्रिएट किया जाएगा कि जिससे उन्हें पता चलेगा कि ये अगर हुआ आपके साथ तो मतलब आपका ह्यूमन राइट वायोलेशन हो रहा है, तो अगर वो सब हो रहा है तो हमें इन्फॉर्म कीजिए, हम आपकी तरफ से लड़ेंगे। तो इसके थ्रू जो पब्लिकेशंस है, मीडिया है, सेमिनार्स है, इसके थ्रू यहाँ पर ये लोग अवेयरनेस क्रिएट करेंगे। उसके बाद इनकरेज दी एफर्ट्स ऑफ एनजीओ जो है उनके एफर्ट जो है उसे इनकरेज करेंगे, और उसी के साथ साथ जो ह्यूमन राइट है उसके फील्ड में उन्हें काम करने के लिए इनकरेजमेंट प्रोवाइड करेंगे, और उसी के साथ साथ जो भी नेसेसरी फंक्शंस है, जो भी नेसेसरी चीज़ें हैं ह्यूमन राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए, वो सारी चीज़ें यहाँ पर वो करेंगे, और उसके साथ साथ पब्लिक ऑर्डर जो है वो भी वो मांग सकते हैं, जो कॉपी है पब्लिक ऑर्डर की वो भी वो मांग सकते हैं, जिससे कि जो कोर्ट है और जो ऑफिसेस है उनके तरफ से जो भी ह्यूमन राइट्स के बारे में जो भी रिकॉर्ड्स पड़े होंगे उनके पास या फिर कॉपीज़ होंगी वो लोग मांग सकते हैं, जिससे कि वो जो केस है वो पढ़ने में, वो समझने में उन्हें आसानी जाए और उसके बारे में वो कुछ कर सके और लड़ सके।
वर्किंग ऑफ द कमेटी, यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है तो यहाँ पर वर्किंग चाहिए, वर्किंग ऑफ द कमेटी यहाँ पर हम देखते हैं तो हेडक्वार्टर जो है वो दिल्ली में है। उसी के साथ साथ उनके पास पूरी पावर है, जो सिविल कोर्ट्स है वहाँ पर वो जा सकते हैं, इट्स प्रोसीडिंग हैव जुडिशियल कैरेक्टर। और उसी के साथ साथ मे कॉल फॉर इन्फॉर्मेशन और रिपोर्ट फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, यहाँ पर जो भी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट है उनके पास से जो रिपोर्ट है वो मांग सकते हैं, इन्फॉर्मेशन जो है वो भी मांग सकते हैं कि हमें ह्यूमन राइट्स के बारे में अगर कोई भी चीज़ उनके पास है तो वो इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं, रिपोर्ट भी वो मांग सकते हैं सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से। उनका खुद का एक न्यूक्लियस है ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग स्टाफ। अब देखिए, अगर आपने पार्लियामेंट्री मेरा चैप्टर देखा होगा तो उसमें मैंने बताया है कि जो आयुर्वेद थे उन्होंने यहाँ पर बोला था कि जो कैबिनेट है वो न्यूक्लियस होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का, क्योंकि वो जो है डिसीजन हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है। तो उसी तरीके से यहाँ जो है इन्वेस्टिगेटिंग स्टाफ, मतलब हाईएस्ट जो इनका इन्वेस्टिगेटिंग स्टाफ है वो न्यूक्लियस है, उनका खुद का एक न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि उसमें पूरी एनर्जी छुपी हुई होती है। तो इस तरीके से इनका जो इन्वेस्टिगेटिंग स्टाफ है ये न्यूक्लियस है, उनमें काफ़ी एनर्जी है, वो अच्छे से काम यहाँ पर करते हैं। एम्पावर्ड टू यूटिलाइज द सर्विस ऑफ एनी ऑफिसर ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, यहाँ पर यूटिलाइज कर सकते हैं वो किसी भी सर्विस को जो कि ऑफिसर है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का, उनकी जो भी सर्विस है उसे यूटिलाइज कर सकते हैं, उनका जो केस है वो समझने में, वो उन्हें न्याय देने में या फिर ह्यूमन राइट वॉयलेशन को कम करने में। इफेक्टिव कोऑपरेशन विद द एनजीओ, एनजीओ के साथ वो इफेक्टिव कोऑपरेशन कर सकते हैं, जैसा कि हमने लास्ट स्लाइड में देखा था, एनजीओज को बोल सकते हैं कि आप इस तरीके से काम कीजिए जिससे कि ह्यूमन राइट वॉयलेशन कम हो जाएगा। Not empowered to inquire after one year of the act. अब अगर देखिए, अब अगर 1 जनवरी 2018 को कोई ह्यूमन राइट वॉयलेशन एक्ट होता है, ह्यूमन राइट वॉयलेशन होता है, अब वो कब तक ये जो है इसके बारे में लड़ सकते हैं, तो 1 जनवरी 2019 तक। अगर 1 जनवरी 2019 के बाद वो उनका इस केस पर कोई हाथ नहीं रहेगा, कोई हक नहीं रहेगा, तो ये एम्पावर है इंक्वायर करने के लिए किसी भी केस को एक साल के अंदर अंदर, जब भी वो वॉयलेशन होता है। उसके बाद पावर क्या क्या है इनके पास, मे रिकमेंड टू कंसर्न गवर्नमेंट और अथॉरिटीज़ टू मेक पेमेंट ऑफ कंपेंसेशन और डैमेज टू द विक्टिम, मतलब यहाँ पर रिकमेंड कर सकते हैं वो। देखिए यहाँ पर भी क्या आ रहा है, तो यहाँ पर भी रिकमेंडेशन आ रहा है, यहाँ पर भी ऑर्डर नहीं आ रहा है कि आप कोई भी कंपेंसेशन जो है वो प्रोवाइड कीजिए, जो विक्टिम है उसका जो भी डैमेज हुआ है उसके लिए कंपेंसेशन प्रोवाइड कीजिए, पेमेंट प्रोवाइड कीजिए जिससे कि उसे फ़ायदा मिलेगा। उसी के साथ साथ रिकमेंड कर सकते हैं जो गवर्नमेंट है उसे इनिशिएट करने के लिए जो भी प्रोसीडिंग है प्रोसिक्यूशन के अगेंस्ट में, जो भी मतलब जिसने भी वॉयलेशन किया है उसके अगेंस्ट में यहाँ पर प्रोसीडिंग जो है वो शुरू करने के लिए यहाँ पर जो गवर्नमेंट है, कंसर्न गवर्नमेंट है, उसे रिकमेंडेशन दे सकती है। मे रिकमेंड टू कंसर्न गवर्नमेंट और अथॉरिटी फॉर द ग्रांट, यहाँ पर ग्रांट देने के लिए भी रिकमेंडेशन दे सकती है जिससे कि जो विक्टिम है उसे रिलीफ मिलेगा। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे रिकमेंड मतलब यहाँ पर रिकमेंडेशन ही दे रही है ये। और अगर हमने पहले भी देखा है तो पहले भी रिकमेंडेटरी नेचर ही उनका, मतलब ये एक रिकमेंडेटरी बॉडी है, इस नतीजे पर हम यहाँ पर पहुँच सकते हैं। अप्रोच कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को फॉर नेसेसरी डायरेक्शन, जो भी डायरेक्शन चाहिए उसके लिए वो अप्रोच कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को। अब रोल क्या है कमीशन का, रोल जो है हमने देखा है कि रिकमेंडेटरी नेचर है, जैसा कि हमने अभी तक के देखा है कि यहाँ पर कोई ऑर्डर नहीं दे पाती है, किसी भी तरीके का ऑर्डर नहीं दे रही है, यहाँ पर क्या कर रही है सिर्फ रिकमेंड कर रही है कि आप इस तरीके से करो, ये कर सकते हो, आप ग्रांट दे सकते हो, आप पैसा दे सकते हो, आप जो प्रोसीडिंग्स है वो शुरू कर सकते हो। तो इस तरीके से सिर्फ रिकमेंडेटरी नेचर है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का। इनके पास कोई पावर नहीं है पनिश करने के लिए, पनिशमेंट के लिए कोई पावर नहीं है। पनिश करने के लिए हमने स्टार्टिंग में ही देखा है कि इन्हें सुप्रीम कोर्ट या फिर किसी भी कोर्ट में जाना पड़ता है एनफोर्स करने के लिए। नॉट टू अवॉर्ड एनी रिलीफ, यहाँ पर रिलीफ भी नहीं दे सकते हैं, जैसा कि क्या है रिकमेंड कर सकते हैं गवर्नमेंट को या फिर कोई भी कंसर्न गवर्नमेंट है उसे कि आप जो भी रिलीफ है वो प्रोवाइड कीजिए, मॉनिटरी रिलीफ हो या कोई भी रिलीफ हो वो देने के लिए जो विक्टिम है उसे। नॉट बाइंडिंग ऑन कंसर्न गवर्नमेंट, जो कंसर्न गवर्नमेंट है अब रिकमेंडेटरी नेचर है, ऑब्वियस है कि वो बाइंडिंग तो रहेगा नहीं अगर रिकमेंडेटरी नेचर है तो। अब यहाँ पर जब बाइंडिंग नहीं है, लेकिन क्या है कि इनके पास मटेरियल अथॉरिटी बहुत अच्छा होता है, मतलब इनके पास जो भी प्रूफ है वो बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है, इस तरीके से गवर्नमेंट भी जो है एकदम वॉश अवे नहीं कर सकती उनके रिकमेंडेशन कि नहीं नहीं ह्यूमन राइट वॉयलेशन तो हुआ ही नहीं है तुम जाओ अपना काम करो, इस तरीके से नहीं कर सकती है जो गवर्नमेंट है वो, इसलिए उनके जो रिकमेंडेशन है वॉश अवे एकदम से नहीं कर सकती है। और उसके साथ साथ जब भी यहाँ पर जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है इन्फॉर्म करेगी किसी भी एक्शन के बारे में, तो यहाँ पर क्या उस पर रिकमेंडेशन पे उनके जो रिकमेंडेशन है उस पर क्या एक्शन ली गई है वो जो गवर्नमेंट है उसे एक महीने के अंदर अंदर बताना पड़ेगा। और जो कमीशन है उसके लिमिटेड रोल होता है, जो भी वॉयलेशन होता है ह्यूमन राइट्स का
बाय द मेंबर ऑफ आर्म फोर्स, आर्म फोर्स के जो मेंबर हैं उनके द्वारा अगर कोई वायलेशन होता है तो यहाँ पर उनके पास बहुत कम यहाँ पर लिमिटेड पावर्स है, और यहाँ पर सिर्फ वो रिपोर्ट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से वो सीक कर सकते हैं, और ये भी जो है ये इन्फॉर्म कर सकती है जो गवर्नमेंट है वो 3 महीने के अंदर अंदर। कमीशन अपनी जो एनुअल रिपोर्ट है वो सबमिट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट को, जो स्टेट गवर्नमेंट कंसर्न है उन्हें, और ये जो रिपोर्ट है ये अपने लेजिस्लेचर पे वो पेश करते हैं, जिसके बाद क्या एक्शंस लिए गए हैं उनके रिकमेंडेशन पे ये भी वहाँ पर डिस्कस होता है। परफॉर्मेंस, यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें जो है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने अभी तक की है, जैसे कि एबोल्यूशन ऑफ बाउंडेड लेबर्स, इशू ऑफ कंसर्निंग राइट टू फूड, चाइल्ड लेबर, हरासमेंट ऑफ वीमेन पैसेंजर इन ट्रेन एक्सेट्रा, तो ये काफ़ी चीज़ें हैं जो ह्यूमन राइट वायोलेशन ह्यूमन राइट कमीशन ने अभी तक की है। तो इस तरीके की यहाँ पर चीज़ें हैं। तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।